हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू यूज ऑक्सीमीटर या फिर पल्स ऑक्सीमीटर। वैसे पल्स ऑक्सीमीटर आजकल कोविड-19 में या फिर ओमिक्रॉन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बट बहुत लोग को ये पता नहीं होता कि भाई पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ कैसे करना है। है तो बहुत सिंपल, बट फिर भी लोगों को नहीं पता रहता है। और कई बार ये भी हो रहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो आप परचेस कर रहे हो सही से रीडिंग नहीं दे रहे, जिससे आप अननेसरी पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, कई वायरल वीडियो देखा होगा सेकंड वेव के टाइम में, जो बिस्किट है उसका भी पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल निकाल रहे थे, तो ऐसे भी पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में आ रहे हैं। तो आपको करेक्ट पल्स ऑक्सीमीटर लेना है, ठीक है। तो जो मैं पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करता हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू यूज़ दिस पल्स ऑक्सीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर है, BPL का है, अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर है। इससे मैंने मेज़र किया है और ये करेक्ट रिजल्ट देता है। तो इसको हमने ओपन कर दिया इस तरीके से, और एक केस में रहता है। तो इसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो ये हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है। इसमें एक बटन होता है, इसको चालू करते हैं, ये इसको क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि जो हाथ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ, तो ये जो राइट हैंड का मिडिल फिंगर को मैं इसमें लगाऊंगा। तो अब ये देखो कि ये मेरा जो है SpO2 लेवल दे दिया 98, ये आप देख पा रहे होंगे 98, और जो पल्स रेट है मेरा 84 है, 84-83, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 98 है, और जब ये 95 से नीचे जाता है तब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए यदि आपको कोविड-19 वगैरह का सिम्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो मेरा ऑक्सीजन लेवल है वो 99 हो गया है, तो थोड़ा बहुत 1-2% का फ्लक्चुएशन इसमें होते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रखना है, मतलब एक जो आपका हाथ है स्टेबल रखना है, उसको हिलाना विलाना नहीं है जब भी आप इस तरीके का मेजरमेंट करो। एक और चीज़, यदि आपका एक फिंगर में यूज़ कर रहे हो, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है कम आ रहा है, 95 से कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अपने दूसरे उंगलियों में भी ट्राई करके देखना है, और जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल आए उसी को हम लोग को कंसिडर करना है। एक और चीज़, यहाँ पर आपको जो नेल्स है उसमें नेल पॉलिश वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो मैं अपने इस उंगली में देखता हूँ, तो इसमें हम लोग मेज़र करके देखते हैं कि कितना होता है। इसमें भी देखो कि जो रीडिंग है वो 98 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो मैं अपना जो लेफ्ट हैंड है उसमें देख लेता हूँ। इसमें देखो मेरा ऑक्सीजन लेवल 100 आ रहा है। एक और उंगली में देख लेते हैं, इसमें भी जो मेरा ऑक्सीजन लेवल है वो 98 आ रहा है। तो इस तरीके से आप करेक्टली अपना जो ऑक्सीमीटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हटाएंगे ये वापस से वैसा ही हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पल्स ऑक्सीमीटर को करेक्टली हमें कैसे यूज़ करना है, और इससे आप जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपरली आप मॉनिटर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।